रायबरेली के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में 10वां अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूरे जोश और उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि व रायबरेली के प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं इस मौके पर बता दें जिले के नोडल अधिकारी पिंकी जोल ने साथ जिलाधिकारी हर्षिता माथुर, पुलिस अधीक्षक अभिषेक अग्रवाल सहित जनपद के सभी अधिकारियों सहित सामाजिक संगठन के सैकड़ों लोग एक साथ योग करके शरीर को निरोग व स्वस्थ रखने का संदेश दिया। प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरी दुनिया में जिस तरह से योग की पहचान दिलाई वही निश्चित भारत के लिए गर्व का विषय है। वहीं इस मौके पर भाग दौड़, भारी जिंदगी व बदलते मौसम और दूषित वातावरण के बीच शरीर को कैसे निरोग और स्वस्थ रखना है, इसके लिए भी योग से बढ़कर कोई दूसरा माध्यम नहीं है, ये पूरा संदेश दिया गया देशवासियों की कृपा करें। अजय जी, आज योग का कार्यक्रम हुआ तो क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, आज मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया है, जो मंच पर हम सबके जीवन के लिए योग करना बहुत ही आवश्यक है। योग करने से बहुत सी बीमारियां जो हैं हमारे शरीर से लुप्त हो जाती हैं, तो इसलिए योग करना बहुत ही अत्यंत आवश्यक है। हम सभी को योग करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और इसमें हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि योग करने से मन और तन दोनों प्रसन्न रहते हैं। योग युग सबसे बना है, जिसका मतलब ये होता है कि हमारा आत्मा और शारीरिक शक्तियों के साथ मिलन, और योग करने से हम दोनों लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं और योग हमें प्रतिदिन करना चाहिए। आज के दिन 2014 में प्रधानमंत्री जी ने अंतर्राष्ट्रीय सभी विदों से कहा कि हम लोग इसको अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाएं। सभी ने इस बात को माना और 21 तारीख को योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में से मनाया जाता है। सभी लोगों को योग जीवन के साथ जोड़ लेना चाहिए, प्रतिदिन करना चाहिए, क्योंकि आज के व्यस्तम जीवन में समय कहाँ है किसी के पास शरीर को स्वस्थ रखने का। योग के द्वारा हम प्रसन्नता का अनुभव कर सकते हैं, आंतरिक शक्तियों को उजागर कर सकते हैं, और हमारे ऋषि मुनियों ने इसको माना और जाना, और योग के हमारे पतंजलि जो ऋषि हैं उन्होंने इसको तो बहुत बढ़ावा दिया और जन जन तक इसको लेकर आए। थैंक यू।